एक बात जरूर कहूंगा, देवी रुक्मणी भगवान कन्हैया को अपना पति स्वीकार कर चुकी हैं। पूर्व जन्मों का नाता था, लक्ष्मी नारायण सी रूप में देवी रुक्मणी भगवान से कहती, श्याम मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगी, मैं तो आपको वरण कर चुकी हूँ, मेरा भैया पापी है। और लोगों, जब प्रेमी एक दूसरे प्रेमी से मिलता है तो नजारा कुछ और होता है, प्रेमी प्रेमी से बिछुड़ता है तो वो प्रेमी ही समझ सकता है अपनी उस वेदना को। देवी रुक्मणी को स्वपन देने के बाद भगवान तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। रुक्मणी से ये कहा है कि चिंता मत करना, तुमने दिल से चाहे तो तुम्हें ले जाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तब तक रुक्मणी की अचानक आंख खुली, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, देवी रुक्मणी के जैसे ही नेत्र खुले हैं तो भगवान की मूर्ति जो हृदय में बसी हुई थी, स्वपन देख रही थी, एकदम से रुक्मणी चीख पड़ी, श्याम कहाँ चले गए? अरे सौत ने दिया, अभी मेरे हृदय सम्राट मेरे नजदीक थे, तूने उन्हें कहीं छुपा दिया। अब तो रुक्मणी सपने पे खींचने लगी कि सपनों तुहे मरवाए हैं, तेने करो कलेज में झेक, सोबत में हम दोए जने, और जब जागी तब एक। स्वपन कहने लगा बारे स्वार्थी संसार, हैं? मैंने द्वारका से श्याम सुंदर की मुलाकात करवाए दी, तू हमें मरवाने के रही रुक्मणी? के सपनों कहे पुकार के, उरी क्यों मरबे है मोए, बहुत दूर तेरो पिया बस है, मैंने रात मिलाए दो। अब तो रुक्मणी जी बिल बिलाए बिल खाए, कहां गए हाय मेरे गिरधारी, महलन में ढूंढत फिरे रुक्मणी प्यारी, डाटे डटे ना रोज चले ना खोज, सो के है भारी, मोहन 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 के खिलकारी। तब तक साथ की सहेलियां आ गई, रुक्मणी से पूछ लगी क्या बात हो गई बहन, क्या बात हो गई दीदी? हमें ये मालूम पड़ रहा है कि तूने कोई सपन देखा है, हैं?
सहेली में का है देवी,